नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रेंडर और माधोगढ़ के बीच में यानी मध्य प्रदेश की सीमा सटे इलाके में आज उप जिलाधिकारी माधोगढ़ अंगद यादव के नेतृत्व में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के व्यापार में लगे माफियाओं पर आज तगड़ा चाबुक कसा गया है। 9 ट्रकों को बालू लदे हुए 9 ट्रक हैं, उनको जब्त किया गया है। जब्तीकरण की यह कार्रवाई हुई है, शासनादेश के मुताबिक जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है। और इस जो जब्त वाहन हुए, 9 वाहन जो जब्त किए गए हैं, उनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी माधोगढ़ अंगद यादव ने हमसे जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक शासनादेश के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत इस तरीके से अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अवैध खनन और अवैध खनन परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखिए, जिस थाने में और तहसील में आप हैं, ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र है, माधोगढ़ तहसील है, इसके सटे हुए मध्य प्रदेश की सीमा है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ अवैध बालू परिवहन एवं बालू खनन की समस्याएं आती थी, जिसके संज्ञान लेते हुए प्रशासन एवं पुलिस टीम ने कठोरतम कार्रवाई की है। इसके तहत मुकदमा संख्या 142/22 पंजीक्रित हुआ है। तत्क्रम में कठोरतम कार्रवाई करते हुए माननीय जिलाधिकारी जालौन द्वारा संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें 9 ट्रक जिनकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ से अधिक है को जब्त किया गया है। इसके ऐसे जितने मामले रहते हैं जो संगठित अपराध करते हैं उनके लिए सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके आगे भी एक अच्छा संदेश दिया जाएगा, ताकि लोग ऐसे क्रियाओं में ना लिप्त रहें और अपना कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता से करें।